हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये देखिए दोस्तों, मैंने ये लड्डू गोपाल जी की कैप बनाई है, 0 से 1 नंबर। कान्हा जी की कैप, वुलन कैप मैंने ये बना रखी है। ये वाली ड्रेस की मैचिंग की कैप बनाई है। अगर आपको ये वाली ड्रेस बनानी है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से ये वाले लड्डू गोपाल जी बना लीजिए। और उसकी मैचिंग की ये वाली कैप, ये देखिए मैं बताने वाली हूँ, 0 से 1 नंबर की ड्रेस है ये। और ये वाली कैप तो मैंने ये वाले लड्डू गोपाल जी की मैचिंग की बनाई है। और ये वाली ड्रेस के लिए मैं लड्डू गोपाल जी की कैप आप लोगों को बताने जा रही हूँ, इस तरीके से कैसे बनानी है। तो देखिए, मैंने ये बचा हुआ ऊन 4 कलर का, मैंने इसकी मैचिंग सेम ये वाले ही कलर मैंने ले रखे हैं 4 कलर। तो इससे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। और ये देखिए, मैंने ये वाला क्रोशिया ले रखा है, 11 नंबर का क्रोशिया ले रखा है। तो चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे ये वाली ड्रेस की मैचिंग की कैप हम बना रहे हैं। ये वाली ड्रेस भी मैंने अपलोड की हुई है। अगर आप लोगों को ये वाली लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनानी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां से आप ये वाली ड्रेस भी बना सकते हो। तो चलिए, सबसे पहले हम बना लेते हैं। येलो कलर से बनाते हैं हम। देखिए, सबसे पहले हमने येलो कलर हम ऊपर लगा लेते हैं। तो इस तरीके से हमने येलो कलर ले लेना है। येलो कलर से इस तरीके से सबसे पहले बनाएंगे मैजिक चैन। मैजिक चैन बनाने के बाद हमने देखिए हाफ डबल क्रोशे बनाने हैं। तो सबसे पहले इसमें 6 हाफ डबल क्रोशे बना लेते हैं। 1, 2, 3, 4, इस तरीके से हाफ डबल क्रोशे बनाना है। 5, 6, ये देखिए 6 हाफ डबल क्रोशे बना लिए। 6 हाफ डबल क्रोशे बनाने के बाद इस तरीके से धागा खींच लेना है और पहले वाले फंदे में हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। इस तरीके से ये देखिए, हम स्लिप स्टिच कर लेते हैं फर्स्ट वाले फंदे में। धागा यहाँ पर अटक जा रहा है, ये देखिए, इस तरीके से इसके अंदर से निकाल लेना है। और ये वाला हम कैंची की मदद से कट कर लेते हैं, क्योंकि येलो कलर हमने ऊपर साइड में इतना ही लगाना है। तो इसके बाद अब हम करेंगे पिंक वाले कलर से कर लेते हैं। तो पिंक वाले कलर से, सॉरी, पिंक से नहीं, हम इस वाले कलर से करेंगे। तो हम इसके बाद देखिए ये वाले कलर से हम कर लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पर से हम पहले वाले फंदे में हम इसको लगा लेते हैं। ये देखिए, इसके बाद हम सारे धागे साथ में छिपाते हुए चलेंगे। और हमने एक चैन लेनी है। चैन लेने के बाद हमने हाफ डबल क्रोशे करना है इसी फंदे में। एक तो हमारा हो गया, तो एक और हम इसी फंदे में करेंगे। ये देखिए, सभी फंदों में हमने 2 2 हाफ डबल क्रोशे करने हैं। यहाँ पर टोटल 12 हाफ डबल क्रोशे हो जाएंगे। ये देखिए, एक कर लिया है इसी फंदे में, एक और 2 2 2 हाफ डबल क्रोशे सभी फंदे में करने हैं। अगली चैन में भी 2 हाफ डबल क्रोशे करेंगे, 1 2। दोस्तों, मैंने 2 2 हाफ डबल क्रोशे कर लिए हैं। अब यहाँ पर हम ऊपर वाले फंदे में स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस तरीके से हमने जोड़ना है। ये देखिए, जोड़ने के बाद अब हमने एक चैन लेनी है और सभी फंदों में हमने 1 1 हाफ डबल क्रोशे करनी है, पूरे
पूरी रो में हमने दो रो तक सेम एक एक हाफ डबल क्रोशे कर लेते हैं। कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद हमने यहाँ पर से पिंक वाला कलर लगाना है और बाहर वाले फंदे में, देखिए पूरे फंदे में नहीं, हमने आधे बाहर वाले फंदे में से लेना है और यहाँ पे लगा लेंगे हम पिंक वाला कलर। ये देखिए पहले हम एक चैन ले ली, दो हम ले लेंगे, टोटल हमारी स्टार्टिंग में तीन चैन हो गई है। अब देखिए हमने इस तरीके से इसी फंदे से करना है, एक दो, टू टाइम इस तरीके से करना है, फिर सभी फंदों के अंदर से ले लेना है, फिर एक चैन लेनी है, फिर अगले वाले बाहर से ही फंदे में करना है इस तरीके से, एक दो, सभी फंदों के अंदर से ले लेना है, फिर एक चैन लेनी है। इसी तरीके से पूरी रो में करना है, सिर्फ बाहर वाले फंदे में, पूरे फंदे में नहीं करना है, एक दो, सभी फंदों के अंदर से ले लेंगे, फिर एक चैन लेंगे। इस तरीके से पूरी रो कंप्लीट कर देते हैं। हम बाहर वाले फंदे में इसीलिए कर रहे हैं जिससे कि हमारा इस तरीके से आ जाएगा। दोस्तों हमने सारे फंदों में कर लिया है, इसके बाद हम यहाँ पर फंदे में स्लिप स्टिच कर लेंगे, जोड़ लेंगे यहाँ पर। देखिए जोड़ने के बाद अब हमने आगे ये वाला तागा तो कैंची की मदद से कट कर लेंगे और ये दो तागे भी कट कर लेंगे क्योंकि ये हमने साथ में छिपा लिए हैं। अब इसके बाद हमने करना है, फिर से हम करेंगे अब ग्रीन वाले कलर से कर लेते हैं हम। ये देखिए हमने ले लिया है ग्रीन वाला कलर, ग्रीन वाले कलर को हमने यहाँ पर लगा लेना है इस तरीके से। अब हमने सभी फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे करना है, एक चैन ले लेते हैं, फिर सारे फंदों में एक एक, सॉरी हाफ डबल क्रोशे करना है, पूरे फंदे में करना है अब हमने हाफ डबल क्रोशे। ये देखिए इस तरीके से, तो ये पूरा हम कंप्लीट करने के बाद दिखाते हैं आपको। देखिए दोस्तों ये दोनों कैप बनके तैयार हो गई और बहुत ही सुंदर लग रही हैं। ये देखिए इस तरीके से आएगी ये वाली कैप, ये देखिए, और ये वाली कैप देखिए। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि ये कैप आप लोगों को कैसी लगी। ये 0 से 1 नंबर कान्हा जी की कैप है, बहुत ही सुंदर लग रही है। अगर आपको ये कैप पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।